बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने ट्यूशन पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बरेली यूनिवर्सिटी से हैं, तो आज की अपडेट आप देख रहे हैं 20/6/2022 की अपडेट है और इसमें सही तरीके से बोला गया है। मतलब शॉर्ट में आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि जो प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं या फिर अन्य सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके जो प्रोफेशनल कह सकते हैं जो आपका प्रयोगात्मक परीक्षा हो रही है, प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं, उस कराने की अंतिम तिथि तो उन सभी प्रोफेसर से बोली गई है, प्रोफेसर हैं उनसे बोला गया है कि आप 30 जून तक सभी बच्चों का आप कॉलेज में जाकर प्रैक्टिकल्स ले लें वरना वेबसाइट बंद कर दी जाएगी, उसके बाद में नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर दिया कि आपको 30 जून लास्ट डेट है प्रैक्टिकल्स देने की, तो आप अपने कॉलेज वालों से ज़रूर पूछते रहिएगा कि आपका प्रैक्टिकल्स कब है, वंचित मत रहिएगा। ठीक है, वरना दोबारा आपका प्रैक्टिकल्स नहीं होगा। आप यहाँ ध्यान से पढ़ लेते हैं और क्या बोला गया। यहाँ बोला गया नई शिक्षा नीति के अनुसार जो मुख्य परीक्षा है, ठीक है, प्रथम सेमेस्टर या फिर अन्य सेमेस्टर के हैं उनकी जो प्रयोगात्मक परीक्षा मतलब प्रैक्टिकल संपन्न कराने के तरीके से संबंध में कुछ उन्होंने एक पत्र यूनिवर्सिटी ने अप्लाई किया है, आपको दिया है, नोटिस दिया है और उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति 2020 के जो मुख्य परीक्षा हुई है स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर वालों की या फिर अन्य सेमेस्टर वालों की है उनकी प्रयोगात्मक परीक्षाएं, ठीक है, संपन्न कराने हेतु अंतिम तिथि 30 जून 2022 तक विस्तारित कर दी गई। तो आपको कह रहा है कि 30 जून 2022 तक आपको दे दी गई है कि 30 जून लास्ट डेट है। अब कह रहा है सभी महाविद्यालय इस मध्य प्रयोगात्मक परीक्षा प्रत्येक दशा में संपन्न करा ले। मैं कह रहा है इस महीने वो क्या कर रहा है, सभी जितने कॉलेज हैं वो प्रत्येक दशा में प्रैक्टिकल करा ले वरना उसके बाद में वेबसाइट बंद कर दी जाएगी और प्रैक्टिकल के नंबर तुम्हारे नहीं चढ़ाए जाएंगे जो छात्र हैं। तो ये चीज़ आज की जो अपडेट थी मैंने आपको क्लियर कर दिया। कोई भी अपडेट आती है तो हम सबसे पहले अपने यूट्यूब पेपर आयकर पर मेंशन कर देते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय।